हिंदुस्तान के कानून का सम्मान करता हूं मैं, और हिंदुस्तान के कानून ने जो सजा सुनाई है या जो फैसला दिया है वो सराखों पे है पूरे हिंदुस्तान के, कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन बीइंग एन एक्टर, एक अभिनेता के नाते इस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं, हमें दुख है कि एक सबसे बड़ा इंटरटेनर को सज़ा मिल गई है। जो इंटरटेनमेंट जब भी आते थे इंटरटेनमेंट का पैकेज होते थे, तो थोड़ा सा उस मसले को लेकर दुख है। और मैं यही चाहूँगा कि उनको अपराध बोध अगर हो गया, उनसे वाकई अपराध हुआ हो और उनके मन में इस, देखिए पश्चाताप से बड़ी सज़ा कुछ नहीं होती है, एक आदमी अगर पश्चाताप कर ले तो वो बहुत बड़ी सज़ा हो जाती है। अगर उनको पश्चाताप है तो थोड़ा कंसीडर करें, एक सरकार को भी, उस वो लोग वैसे भी ऊपर के कोर्ट में जा रहे हैं, बड़ी हो जाए तो बढ़िया है, एक अच्छा इंटरटेनर हमारे हिंदुस्तान में। देखिए उम्र की भी एक सीमा रेखा होती है, 5 साल के लिए भेज देना, उसके बाद सलमान खान की उम्र बहुत हद तक ढल जाएगी। बाकी हम क्या कहेंगे, हम एक न्यूट्रल इंसान हैं, एक एक्टर के नाते मुझे लग रहा था कि जिस इंडस्ट्री में है मुझे बड़ा गैप है, वो हो जाएगा, बुरा तो लग रहा है। वैसे हिंदुस्तान में ये भी होता है कि इंसान के भी मारने का आरोप उन पर लगा था, उनके ड्रंक एंड ड्राइव से लोग मरे थे, वहाँ से तो बरी हो गए हैं। लेकिन एक जानवर को मारे हैं या नहीं मारे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जानवर के मौत की सज़ा तो उनको मिल गई है कि उनको मारने का उनको सज़ा मिला है। तो यहाँ ये होता भी है, आदमी दो मर गए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जानवर एक मरा। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में जानवर को इतना सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो बेजुबान कुछ बोल नहीं पाता, इंसान तो कुछ बोल पाते हैं, उनके नाते रिश्तेदार कुछ बोलते हैं। तो मैं सबसे यही बोलूँगा, इंसानों को जितना प्यार करते हैं कहीं उससे कम जानवरों से प्यार न करें। वो बेजुबान अपनी व्यथा अपना दर्द बता नहीं सकते हैं, लेकिन उनका जो दर्द होता है वो सीधा ऊपर तक पहुंचता है और ऊपर वाले की लाठी में दम बहुत होता है। तो किसी बेजुबान को न सताएं, बेजुबान को न मारें, अपनी ख्वाहिश मिटाने के लिए, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी बेजुबान को हर्ट न करें। सेम जो अधीश जी ने बोला, मैं उस बात को एग्री करती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का जो भी फैसला है वो उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। बट मेरा एक ये भी एक, क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ तो मैं ये कभी कभी देखती हूँ और फील करती हूँ कि नॉर्मली कितने, न जाने कितने हिरन मरे पड़े होंगे, किसी का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन उसको सलमान खान के थ्रू कुछ मरा या कुछ ऐसा हुआ तो लोग उसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं। सलमान खान ने बहुत अच्छी भी चीज़ें की हैं, उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, आज की ही नहीं है, करते आ रहे हैं और आगे फ्यूचर भी उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि गलती हुई है उनसे, उनको आपने सज़ा भी दी है, बट सलमान खान हम सबके बहुत फेवरेट हैं, तो प्लीज़ सज़ा जो भी की है थोड़ी कम करिएगा, बिकॉज वी लव सलमान खान। जी अवधेश भैया ने जो कहा, अंजना जी ने कहा, वो बिल्कुल सत्य है। रूल जो है लॉ का वो किसी को नहीं देखता, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। लेकिन अंजना जी ने कहा कि उन्होंने, एक इंसान से गलतियां होती है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी भी काम की है। तो मैं भी कहूँगा, आग्रह करूँगा अपने जो भी हैं हमारे देश के जजेस लोग हैं कि उनको राहत दें, यही कर सकता हूँ, उनके लिए शुभकामना कि वो जल्दी हमारे बीच आए। थैंक यू, जाबाज के लिए भी थैंक यू।